साहिबगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बागमुंडी स्कूल में प्रधान शिक्षक और सहायक शिक्षक हमेशा ड्यूटी से नदारद रहते हैं, जिससे स्कूल में मध्यान्ह भोजन नहीं बन पाता है और बच्चे स्कूल छोड़कर दोपहर के समय खाना खाने के लिए घर जाने को मजबूर दिखते हैं। इधर स्कूल में शिक्षक के नहीं रहने पर बच्चे भी पढ़ाई की जगह खेलते दिखते हैं। वहीं करीब एक घंटे बाद स्कूल पहुंचे सहायक शिक्षक ने टिफिन के लिए घर जाने का बहाना बनाया, साथ ही ये भी कहा कि प्रधान शिक्षक की मंजूरी पर ही मिड डे मील बन पाएगा। स्कूल छोड़ करके खाना खाने का, स्कूल में खाना नहीं बनाया क्या? नहीं। तो कितना दूर है यहाँ से घर? तो स्कूल छोड़ के घर जा रहा है खाना खाने के लिए? सब बच्चा जाता है। आज स्कूल में खिचड़ी बना है? नहीं, खिचड़ी बना है नहीं बना, तीन चार रोज हो गया। तीन चार रोज से नहीं बना है? तो आप लोग मास्टर को नहीं बोलते हैं कि खिचड़ी नहीं बन रहा है स्कूल में? क्या बोलेंगे, वो कहेगा चावल नहीं है। एचएम नहीं आया तो मेरा खाना नहीं बनेगा। हाँ, हमको आदेश देगा तब ना। अच्छा, तो कितना दिन से खाना है? बच्चा बोलता लगातार कभी नहीं बनता खाना। ना, मैंने तीन दिन से नहीं बना। इधर बोल रहा है कि एक हफ्ता से नहीं बना है, बच्चे लोग का आरोप है। और आप लोग दोनों गायब थे, मतलब स्कूल है या मजाक है? नहीं, हम टिफिन के बाद ना गए थे वहाँ। अभी एचएम कहाँ पर है?